एक बॉडी जब हेल्दी होता है yeah. जब वो अपने अपने उस पर्टिकुलर इंसान के परफेक्ट स्ट्रक्चर और परफेक्ट पोटेंशियल में होता है इट विल लुक ब्यूटिफुल यू विल फील ग्रेट. तुम अभी इतना अच्छा बॉडी होके तुम ठीक से बेंड भी नहीं कर पाते हो yeah. तुम ठीक से भाग नहीं पाते हो, तुम चलते हो तो ऐसे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई रोबोट चल रहा right. है. तुम्हारी बुद्धि ठप पड़ गई है क्योंकि और कुछ तुम और लाइफ के और किसी एस्पेक्ट में तुमको बुद्धि लगाने का तुम्हारे पास बुद्धि बचा ही नहीं है. तुम पूरा खर्चा बॉडी पे कर रहे हो राइट. और दूसरों को अप्रिशिएट करने का वो भी कम हो जाता है. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज़ पीपल हु आर मैडली आफ्टर दिस यू नो थिंग दैट दे थिंक दैट दे आर फिटर एंड पीपल विद बिग मसल्स दे आर फिट. अगर कोई लेट्स से योगा करने वाला आएगा ना स्लिम दुबला पतला नॉर्मल मसल लाइक मेरे से भी पतला हाँ. वैसा कोई आएगा दे वोंट कंसीडर दैट पर्सन फिट. दे वोंट दैट पर्सन इज गोना आउटलिव टू ऑफ दैट लाइक वो उसकी दो लाइफ है. वो दैट गाय इज गोना लिव फॉर 100 इयर्स दिस गाय इज गोना लिव फॉर 60 और समथिंग. ये लेवल आए कहां से? स्ट्रेंथ कौन कितना उठाता है यही से पता चलता है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी है. हाँ. स्ट्रेंथ का डेफिनेशन तुम कौन कितना उठा रहे हो बस yeah. इतने में लिमिटेड नहीं रख सकते. आई थिंक आई हैव फिगर्ड इट आउट. आई नो कहां से आया. आई थिंक या आई जस्ट थॉट अबाउट इट राइट नाउ एंड इट्स नॉट द वर्ड फिट और स्ट्रांग इट्स द ईआर दैट यू ऐड यू नो फिटर स्ट्रांगर. सो इफ यू एंड आई आर इन अ सेम हॉल लिफ्टिंग वेट्स यू आर लिफ्टिंग 100 किलोज यू आर फिट. आई वॉन्ट टू बी फिटर. इट्स लाइक वेन यू आर इन या कंपेरिजन बेसिकली यस कंपेरिजन. So I think that's what, you know, that's my opinion. I think that is pushing people because we are competitive humans when they get into a closed area. Yeah, area, but they, what I am saying is yeah. this, that just like there's a black, white, red, blue, वैसे ही strength के अपने अपने रंग हैं. Right. तो अगर आप मुझसे तेज भाग सकते हैं, that's your strength. Yes. You're stronger when you run. Right. You know, जब आप योगा करते हैं, आप एक कोई pose उस flexible, उस yes. या उस flexibility में आप उतनी देर होल्ड कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती. दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ. राइट. आपको कोई डिसीज है ठीक हाँ. है क्लिनिकल इश्यूज है फिर भी आप रोज जिम आ रहे हो या जो भी आपका रूटीन है फिटनेस रूटीन वो आप कर रहे हो. मेरी बॉडी फर्स्ट क्लास है लेकिन मैं 3 दिन जाती हूँ चौथे दिन ऐह करके घर में बैठती हूँ. यू आर स्ट्रॉन्गर ठीक है. मैं डाइट नहीं प्रॉपरली सस्टेन कर सकती हूँ. आपके लिए ये एक लाइफस्टाइल है. यू आर स्ट्रॉन्गर. तो स्ट्रॉन्ग होने का डेफिनेशन अलग अलग है. सिमिलरली इट कम्स टू एस्थेटिक्स. आप मैं जैसा देखती हूँ एक सुंदर बॉडी आपके लिए भी वही होना चाहिए ऐसा नहीं है. बट आवर ब्रेन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मिरर न्यूरॉन्स ठीक है. मिरर न्यूरॉन्स ऐसा होता है कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ नोइंगली या अननोइंगली आप भी वैसा ही करने को देखेंगे. आप मेरा एक्सेंट पकड़ने को देखेंगे या इफ यू अप्रिशिएट द पर्सन या इफ यू लाइक द पर्सन यू टेंड टू मिरर द. ये हमारी फितरत में है. हमारी फितरत में ये भी है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है जहाँ पे मैक्सिमम सोसाइटी जिस चीज को अप्रूव कर रही होती है आप भी वही भीड़ ज्वाइन करना चाहते हो ताकि आप भी अप्रूव्ड हो. सेंस ऑफ बिलोंगिंग. यस सेंस ऑफ बिलोंगिंग वैलिडेशन. या एग्जैक्टली. एंड वी ऑल वांट दैट. वी आर वायर्ड इन दैट वे. जब हमारा सोसाइटी एस्टैब्लिश हो रहा था जब एग्रीकल्चर वगैरह आ रहा था उस टाइम पे ह्यूमंस के लिए वो अप्रूवल वैलिडेशन सोसाइटी में फिट होना जरूरी था क्योंकि उससे उसको प्रोटेक्शन मिलता था. राइट. और ये हम एक दो साल की बात नहीं कर रहे हैं हजारों साल हम ऐसे इवॉल्व हुए हैं. तो हमारा ब्रेन वैसे ही वायर्ड हो गया है. अनलेस एंड अंटिल आप ये चीजें नहीं समझते हैं कि आपका ब्रेन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है चाहे वो सोसाइटी में हो या एक पर्सनल रिलेशनशिप में हो आप यही चीजें क्यों फॉलो कर रहे हो या आपका ओपिनियन आप ऐसे ही क्यों बना रहे हो या आपके बिलीफ सिस्टम आते कहाँ से हैं और क्या आप सच में उनमें बिलीव करते हो या आप सिर्फ फिट हो रहे हो उसमें. ये सारी जो भी चीजें हैं इट्स ऑल हार्ड वायर्ड इन अस. एंड पीपल आर नॉट यूजिंग देयर इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट एंड ब्रेक इट यू नो एंड फाइंड दिस न्यू पोटेंशियल ऑफ इंटेलिजेंस दैट नाउ दिस बॉडी एंड ब्रेन कैन हैंडल. इफ वी आर नॉट टैपिंग इनटू दैट सैड. वी आर सच अ फेल्ड जनरेशन. That's if you are not doing this. Yeah, I agree totally.